अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज ना ये ब्लू कलर का एक मेरे पास पीस पड़ा हुआ है जी, इतना सा पीस है ये, इसका घेरा है। अच्छा ये पीस ना मेरे पास नहीं होते हैं, ये मुझे ऐसे ही मार्केट से अगर कहीं पड़ा हुआ कहीं भी किसी शॉप पे कोई पीस एक भी पड़ा हुआ मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ मुझे एक ही पीस देते हैं, मैं इसके साथ खुद ही कुछ कर लूँगी। तो ये इस तरह से नहीं होता है कि आप लोग बाज़ दफ़ा मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें भी ये ले दें या हम भी इस तरह से है। तो मैं आप लोग मार्केट का विज़िट करें, आप जाएँ जहाँ से आप शॉप से किसी से भी आप जो भी लेती हैं उसको बोलें उसके पास कोई पीसेज हैं तो वो दिखा दें। अब ये किसी भी शर्ट से जो भी है ना, अल्लाह जाने ये कहाँ से बचा है और क्या था ये छोटा सा एक पीस है, लेकिन मुझे इतना प्यारा लगा था ना। अब शर्ट भी नहीं पूरी बन रही थी उड़िया की, वही मैं सोच रही थी कि इसमें से उसका घेरा भी सही से नहीं निकलेगा। तो अच्छा अब घेरा बनाती हूँ तो उसकी लेंथ में से भी बिल्कुल इतना सा पीस निकला, ये 1 मीटर और 4 इंच का, मतलब तकरीबन 1 मीटर ही हम इसको कह सकते हैं। तो मैंने सोचा इसके साथ ना ये गोल्डन गोल्डन कलर का ट्राउज़र करके उसकी बाजू लगा देती हूँ, तो अगर उसमें कोई पट्टियाँ शट्टियाँ लगा के तो उसकी कोई डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, ऊपर को पट्टी शट्टी घेरे पे लगाते हैं या गले पे लगाते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे स्टिच किया। हाँ जी सूट जो है जी वो स्टिच कर लिया है मैंने। मैंने इसके साथ ये गोल्डन कलर का जो है ये पजामा है, और जिस तरह भी कपड़ा मेरे पास था मैंने उसी से सी सू दिया है, मतलब जितने भी जोड़ छोड़ पड़े हैं। ऊपर पजामे पे भी थोड़ी सी चौना डालनी पड़ी है ऊपर बेल्ट के लिए लैदा से, लेकिन पजामा बन गया है, खैर है। और ये मैंने इसकी शर्ट स्टिच की है। अब कट पीस से इस तरह की स्टिच कर लेना और खूबसूरत ड्रेस कर लेना, यही कमाल होता है। अब ये मैंने जो इसके साथ जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो यहाँ लगा के इसके ऊपर से जितना लंबाई से पट्टी बची थी वो सारी पट्टी मैंने जो है इसके बाजुओं के ऊपर, एक छोटी एक चौड़ी एक छोटी एक चौड़ी, फिर उसके सेंटर में मैंने लेस लगाई है। गला जो है वो इस तरह से मैंने बनाया है कि पहले मैंने ये वाली 4 पट्टियाँ लगा ली थी, इसके साथ नीचे ये वाली एक लेस जो है ना इस तरह से टसल टसल वाली थी ये लगाई, उसके बाद मैंने ये वाली लेस इसके ऊपर रख के लगाई है इस तरह से, और फिर सेंटर में रख के जो है मैंने शीशे लगाए हैं इस तरह से। तो ये कितना खूबसूरत ड्रेस जो है ये देखें, आपके लिए ज़बरदस्त आइडिया भी है कि छोटे छोटे पीसी से भी आप लोग डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, ये देखें। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करेंगे। बैक साइड बिल्कुल सादा है इसकी, तो पीसी इतना सा था तो हमने उसी से डिज़ाइनिंग जो है इसको कर दी है। ठीक है जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।